नमस्कार, मेरा नाम सोनू नाज है और हम हैं बिहार में। बिहार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पे मेहनत कश इंसान रहते हैं, संघर्षशील महिलाएं रहती हैं और इनके बारे में आज जानने के लिए हम आ गए हैं पटना जिला। और पटना जिला के पास में एक जगह है कुरथौल, और कुरथौल के बगल में जो है दरियापुर रोड में इनका फर्म है। फर्म बता दूं आप लोगों के जानकारी के लिए कि इनका देसी मुर्गी सोनाली का फर्म है और आज इनसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोना हुआ और ये जगह का नाम हुआ कुरथौल दरियापुर। तो कुरथौल मोड़ है और दरियापुर गांव है, इस गांव में मेरा फार्म है। अभी क्या क्या यहाँ पे रखे हैं इस फार्म पे? अभी हम सोनाली रखे हुए हैं और FFG रखे हुए हैं जी। बकरी भी देख रहे हैं आपका? हाँ सर, बकरी हम लाए थे, 4 बकरी लाए थे, बकरी भी है मेरे पास जी। मतलब मुर्गी के साथ साथ बकरी पर भी एक्सपेरिमेंट चालू है? हाँ, एक्सपेरिमेंट चालू। कब से कर रही हैं ये? ये हम पिछले अगस्त महीने से कर रहे हैं जी। ये अगस्त आया, ये अगस्त एक साल पूरा हुआ इसका। इनके जो है कि आप लोगों के जानकारी के लिए इनका परिचय बताना चाहेंगे कि इससे पहले ये अपना काउंटर खोली थी, पार्लर का दुकान खोली थी पटना जिला में। और कोरोना काल में बहुत लोग बर्बाद हुए, आबाद हुए जो है कि इसके बारे में आज फिर इनसे हम जानना चाहेंगे कि पार्लर कहाँ पे था आपका? पार्लर मेरा रामकृष्णा नगर में पड़ता था, शेखपुरा पड़ता है। रामकृष्णा नगर से पीछे जो शेखपुरा गांव आता है, तो उसी गांव में मेरा पार्लर था। पार्लर जब खोली थी तो कस्टमर वगैरह आते थे? हाँ, कस्टमर तो आती थी, कस्टमर बहुत सारी कस्टमर आती थी, लेकिन उस हिसाब से कस्टमर नहीं आती थी जिस हिसाब से हम काम किए थे जी। जैसे हम वहाँ काम करते थे तो वहाँ पे जो है बाल वगैरह का जो है सो हाइलाइटिंग वगैरह हुआ, स्ट्रेटनिंग हुआ या स्मूथनिंग हुआ, थर्मो हर्ब हुआ फेस का, मसाज वगैरह, तो वो सब इधर आती ही नहीं थी। बस सिर्फ थ्रेडिंग के लिए, दो कटिंग के लिए, बस इतना ही। तो उसमें मेरा क्या होना जाना था उसमें? तो कब मतलब उससे बदल के कब ये आए, क्यों आए, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। बदलने का कारण था सर कि जो लॉकडाउन जो बीच में आ गया, पहले से तो हम कर ही रहे थे जी कि किसी भी तरह इसको खड़ा करेंगे, लेकिन लॉकडाउन जो ऐसा आया तो लॉकडाउन में आदमी को खुद को जीने के लिए पहले खाने के लिए सोचना पड़ता था कि हम इतना दिन लॉकडाउन हो गया तो हम क्या खाएंगे। और बात रहा पार्लर का, तो आदमी पहले खाने के लिए सोचेगा, सजने संवरने के लिए थोड़ी ना सोचेगा जी। पहले तो उस समय था ऐसा परिस्थिति कि जान बच जाए। हाँ, जान बच जाए तो बहुत कुछ होगा, तो हमको पार्लर उसी टाइम से बंद कर देना, मतलब जान बचाने के लिए पार्लर को बंद करना पड़ा। बंद करना पड़ गया और वहाँ से हम पार्लर को हटा के सामान दूसरे जगह शिफ्ट किए, वहाँ से पार्लर हटा के और अपने घर पे बैठ गए। और घर पे बैठने का कारण था कि वहाँ तो कुछ हद तक हम रहते थे तो अपने आप को थोड़ा सेट किए हुए थे कि नहीं, आशा था कि आज एक दो कस्टमर आ रहे। घर पे बैठे तो इस तरह से बैठ गए कि कुछ का मतलब अता पता ही नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे आगे का ये होगा, मतलब विवश हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें क्या होगा। तब ये मुर्गी पालन का कैसे मन में विचार आया? लोग तो मतलब जब परेशान होते हैं, विवश होते हैं, तो दूसरे से मदद लेते हैं, घर वाले से संपर्क करते हैं कि क्या करें अब। तो कैसे मन में विचार आया कि हम मुर्गी पालन ही करें, बकरी पालन ही करें? सर ऐसा था कि घर में बैठता तो आदमी के हाथ में तो जानते हैं कि आज खाने का तो नहीं, लेकिन मोबाइल हर किसी के पास होता जी, है जी। तो एक मनोरंजन भी होता है आदमी का, मन लगाव भी होता है और उसमें से सीखने के लिए भी कुछ मिलता है। जो सीखने वाला आदमी तो सीखता है, बस मनोरंजन करने वाला आदमी होता है तो मनोरंजन करता है। तो हम उस चीज़ में उसको गौर किए देखते थे, तो शुरुआत हम आप ही लोग का जो है वीडियो वगैरह देखे, आपका एक नीरज सर का वीडियो था, तो उसी तरह से हम बकरी का, मुर्गी का, ये सब काम देखते थे और भी बहुत सारा चीज़ देखते थे, लेकिन उसमें कोई किसी में मेरा माइंड अटा नहीं। एक चीज़ हम देखे कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं जी, आसान लगा, आसान लगा हमको कि हम ये चीज़ कर सकते हैं जी। और इसमें कुछ वैसा नहीं है, किसी के पास से हमको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा जी। जाके जो भी मेरे पास अगर छोटा पूंजी है तो हम छोटे पूंजी, छोटे स्तर से भी इसको हम, मेरे पास ज़मीन है तो उसमें से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो इसी तरह से हम सोचे और घर में बातचीत किए, तो हस्बैंड तो मेरे ना बोले, बोले कि नहीं अब हम रिस्क नहीं लेंगे। मतलब एक बार ऐसा हाँ, हो गया है कि रिस्क लेके फेल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। कारण था उनके पास ऐसा कि अगर हम इस चीज़ को करते हैं, फिर अगर हम कोई अगर वैसा चीज़ रहा
तो फिर हम नहीं उठ पाएंगे, हम मुझ में हिम्मत नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम थोड़े जिद्दी स्वभाव के शुरू से थे, किसी चीज़ को अगर करते हैं तो वही चीज़ हमको दिमाग में घूमते रहता है। अगर गलत भी होता है तब भी हमको दिमाग में वही घूमता है, और सही भी होता है तभी हमको वही घूमता है। तो हम जब भी सुबह उठे, कितना से स्टार्ट किए थे ये? हम स्टार्ट सर 20 गो से किए थे जी, मात्र 20 से। हाँ, 20 गो से मात्र किए। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद फिर सर हम 300 साढ़े 300 ऐसे करके ला जी। कितना बार अभी तक डाल चुके हैं साल में? एक साल लगभग होने को है ना? हाँ, अभी तो हम लगता है 4 बार हम निकाल चुके हैं जी, 4 बार हम इसमें से निकाल चुके हैं। एक साल में 4 बार, मतलब आप कैसे डालती हैं, ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब एक ही बार पूरा लाती हैं कि? नहीं नहीं, जैसे अब ये लॉट चल रहा है जी, तो ये लॉट चल रहा है तो इसमें से थोड़ा सा अगर निकल जाता है जी, तो उसको हम जो है सो चूजा के लिए और दाना के लिए अलग ये इसको करते हैं, और फिर बाकी जो होता है मुनाफा होता है। अच्छा अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब है कि ऐसा ये बनाई है कि हमेशा यहाँ पे छोटा और बड़ा और तीनों साइज का मिल जाता है। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि जो पहले आप पार्लर का काम करती थी, वो वाला काम भी लोग, जिसे कई पार्लर में लिखा हुआ होता है कि शादी विवाह में जो है कि अगर ज़रूरत हो तो हमें बुलाया जाए, तो उस तरह का आज भी लोग बुलाते होंगे? कहीं कहीं एक दो ये में हम गए हैं, पीछे गए हुए हैं, अभी अब तो नहीं जा रहे हैं। अब रुकावट हो गया इसके वजह से? इसके वजह से रुकावट, एक दो कॉल भी की थी तो हम बोले कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे अब, तो हम अब नहीं जाते। अब हम अपना सोच रहे कि फिर पार्लर को फिर से खड़ा करें, ये भी करें और वो भी करें जी। अभी जो है ये सोनाली देसी के जैसा दिखने वाला है मुर्गी, तो देख रहे हैं कि पास पड़ोस में पूरा मोहल्ला वाला एरिया है, तो लोकल में लोग आते हैं खरीदने, तो क्या रेट में ले जाते हैं? लोकल में लोग आते हैं, अभी सावन में ही, जो सावन जस्ट निकला तो सावन के कल होके ही सब लोग ले गए हैं, बहुत सारे लोग बकरीद पड़ा उसमें भी ले गए, तो हम 330-320 में निकाले हैं अभी, और पहले भी निकाले हैं तो उसी रेट में निकाले हैं, लोकल का वही रेट है। मतलब इसके अलावे अगर मान लीजिए कि ज़्यादा लोकल में नहीं बिक पाता होगा तो नज़दीक कहाँ ले जाके बेचती हैं? देखिए, नज़दीक कहाँ ले जाने का ये नहीं है कि कहाँ, आप अपना मार्केट जैसे ढूंढ रहे हैं तो आप मार्केट में देखिए बहुत सारे कटर लोग हैं जी, तो आप कहीं भी जाके उसको सेल कर सकते हैं। मतलब जाके वो लेके डायरेक्ट जाती हैं, बोलती हैं कि बेचना है, ऑर्डर ले लेती है पहले? हाँ, पहले तो ऑर्डर लेना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, पहले तो बात करना पड़ता है ना, तो पहले आप उनसे जाके मिलिए। अब हम ये आपको बता रहे हैं कि हम अगर किसी के पास जा रहे हैं, 4 गो के पास जा रहे हैं, तो 3 गो ना बोलता है तो एक व्यक्ति तो ज़रूर बोलता है कि ठीक है 20 पीस ला के दीजिए या 10 पीस ला के दीजिए, तो उसी तरह से मार्केट को। बहुत बार ये भी सुनने को मिलता है कि कटर लोग जो होते हैं वो ले लेते हैं और बोलते हैं कि शाम को पैसा ले लेना या कल ले लेना, उसके बाद पैसा भी फंसने का डर रहता है, ऐसा कभी हुआ आपके साथ क्या? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है। एक चीज़ होता है कि आप एक माल को दे रहे, शुरुआत में तो ऐसा नहीं, शुरुआत में तो पहले पैसा दे देता है, लेकिन जैसे ही दोनों का संपर्क नज़दीकी हो जाता है तो क्या होता है कि आप एक माल उसको दे रहे हैं तो एक का पैसा ले रहे हैं, क्योंकि रिलेशन जो है सो नज़दीकी का बन जाता है, तो एक आप ले रहे हैं एक विश्वास हो जाता है तो पैसा जाएगा कहाँ, तो हमेशा उन्हीं को देना है, रेट भी सही मिलता है, तो आप एक ले रहे हैं एक दे रहे हैं, ऐसा होता है। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लेडीज होकर कर रहे हैं, बहुत हार्ड काम है, मतलब हम खोल के पछता रहे, ऐसा कभी मन में विचार आया? नहीं सर, ये चीज़ नहीं आया। क्यों नहीं आया कि मतलब मार्केटिंग करने में देखिए किसी भी चीज़ को कीजिएगा तो मेहनत तो लगेगा ही किसी भी चीज़ को, और इसमें उतना ज़्यादा बोझ नहीं लगता है कि चीज़ को हम कैसे बेचेंगे कैसे क्या करेंगे, सबसे बड़ा चीज़ है मार्केटिंग करना, तो मार्केटिंग करना आ जाता है, बिजनेस करना आ गया, वही है। मतलब मार्केटिंग जब तक आप नहीं सीखेंगे तो कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मुर्गी पालन हो और बकरी पालन हो या कोई भी धंधा हो, उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको पहले संपर्क करना पड़ेगा, उन कटर से जाके मिलना पड़ेगा, नज़दीक के फार्मर जो किसान हैं उनसे आप बात करें कि कैसे करें। अगर कोई महिला चाह रही हैं कि हम इस रोज़गार को करें, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? उनके लिए संदेश हम मेरी तरफ से फुल ये है, एकदम फुल क्या, स्वतंत्र हो के आप कीजिए, परिवार को भी संभालिए और इस बिजनेस को करिए। इस बिजनेस को जो हम किए, मेरा अनुभव है, हम तो आपको कहेंगे जो भी लेडीज़ लोग हैं उनको हौसला यही देंगे कि हम गिरे हैं और हम उठे भी हैं, इसी मुर्गी से ही हम उठे हैं, और आप भी इसको कीजिए
क्या होता है कि आप परिवार को भी संभालिएगा और इस बिजनेस को भी संभालिएगा, दोनों काम आपको साथ साथ होता है। कहीं भी एक आने जाने का रोक टोक होता है वो भी नहीं है, आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम अभी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़े थे, मतलब कुछ साल पहले, कि सरकार का कोई लोन वगैरह भी चलता है पार्लर खोलने के लिए, तो वो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं था कि कर्ज आपको लेना पड़ा? नहीं सर, उसके बारे में हम कोर्सेस किए थे लेकिन हमको मिला नहीं, शायद उसका अंदर तक जो हम जा नहीं सके या जान नहीं सके जी। तो लेकिन हमको खोलने का एक जुनून था तो हम सोचे कि हम कर लेंगे इस चीज़ को। मतलब दिमाग में जब कीड़ा काटता है तो फिर कुछ नहीं बुझाता, कुछ नहीं दिखता है। हाँ, और काम जो है कि आदमी स्टार्ट कर देता है। हमको लगा कि अब इस चीज़ को रिलेट नहीं करेंगे, इसको आज की आज ही खोलेंगे। जैसे इसको भी करना था तो एक अंदर जितने हम इसको करना है तो करना ही, तो उसी तरह से हर काम के एक जुनून जो अंदर होता है आदमी का, तो वो जुनून था तो हमको लगा कि नहीं आज की आज हम इसको करेंगे ही। अच्छा, कोई ये आसपास के जो भी गांव एरिया जो है यहाँ पे कुरथौल के आसपास इनका फार्म है, तो जो लोग अगर चाहते हैं कि एक दो मुर्गी लें हम, तो हमेशा यहाँ पे उपलब्ध रहता है ना? कभी ऐसा ना हो कि छोटा नहीं, हमेशा उपलब्ध रहता है सर जी। क्योंकि इसको निकाल रहे हैं हम, तो इसमें से हम 50 पीस रख लेते हैं, 100 पीस रख लेते हैं, जानते हैं कि लोग खोजेंगे तो 50 पीस 100 पीस इसको हम रख लिए। जो छटैया होने के बाद अब सब एक साइज का नहीं होता है, ये भी बात हम बोलेंगे आपको कि सब एक साइज का एक मरते नहीं हो जाता, जो छोटा बच जाता है उसको हम रख लेते हैं और उसी को फिर हम बेचते हैं उसको जी, लोकल में बेच लेते हैं। हाँ, लोकल में। तो मेरा ये कहना था कि जो हमारे दर्शक हैं अगर चाहते हैं कि हम बड़ा मुर्गी लें जो अंडा देता हुआ हो, या अंडे देने के लिए 2 महीना बाद तैयार हो जाए, या ब्रूडिंग, हमारे पास जगह नहीं है, ब्रूडिंग करने में परेशानी होगी, मरने का खतरा होगा, तो उन जैसे लोगों के लिए भी यहाँ पे उपलब्ध है? सर, ब्रूडिंग के लिए तो अभी उपलब्ध नहीं है, अभी हम उतना, मेरे पास एरिया वैसा नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकता है जी। लेकिन जो अंडा के लिए कह रहे हैं कि मुर्गी लेंगे तो उस वो मेरे पास उपलब्ध है, वो अगर वो चाहेंगे कि हम लेंगे तो वो हम दे सकते हैं उनको जी। और मेरा ये कहना था कि अगर मान लीजिए कोई लेडीज हैं, महिला हैं, परेशान हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो अगर आपसे कुछ अगर मदद लेना चाहें तो किस टाइप से आप मदद कर पाएंगी? किस टाइप से मदद करना चाहेंगे? अगर हमसे मदद उनको लेना होगा और वो विश्वासी होंगी तो हम उनको जानकारी भी दे सकते हैं, और प्लस ऐसा नहीं है अगर मेरे नज़दीक की हैं, तब नज़दीक की हैं तो उनको चूजा वगैरह भी हम दे सकते हैं, मतलब स्टार्ट करवा देंगे आप? स्टार्ट करवा देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और कल तक जो आदमी खुद परेशान था आज दूसरे को उठाने का बात करता है, सुन के बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह का जानकारी जो है कि इस चैनल पे आता रहता है। मिलते हैं फिर नए जगह पे नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।